खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स में। और आप सबके क्या हाल चाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। और अभी टाइम हो गया दोपहर का, मैंने घर का सारा काम निपटा लिया क्योंकि मुझे आज बनाना था ये वीडियो। तो इसके लिए मैंने थोड़े बहुत काम छोड़े भी है क्योंकि आप जो घर का काम करते हो ना उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए आपको कुछ काम छोड़ने पड़ते हैं। और इसमें से मैंने क्या छोड़ा है, मैंने छोड़ा है मेरा मॉर्निंग वॉक या जो मॉर्निंग का वर्कआउट होता है वो मैंने आज छोड़ दिया क्योंकि मुझे आज ये वीडियो बनाना था। तो उसकी जगह मैंने घर के काम निपटा लिए जो एक डेढ़ घंटा है उसमें। तो चलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही प्यारा वीडियो, मतलब मैं मेरे शेयर करने वाली हूँ मेरी ज्वेलरी, मेरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी। और थोड़े दिन पहले मैंने ना एक ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी का वीडियो डाला था जो लोगों ने बहुत पसंद किया, मतलब सब लोगों ने बहुत पसंद किया, अच्छे खासे लाइक्स आए हैं, व्यूज़ आए हैं और बहुत अच्छे कमेंट भी आए हैं। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि मेरे पास छोटी से छोटी बड़ी बहुत अच्छी अच्छी ज्वेलरी है और मैं कोशिश करूंगी कि कौन सी ज्वेलरी मैंने कहाँ से ली है वो बता पाऊँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी भी ज्वेलरी का रेट मुझे मत पूछिएगा क्योंकि मुझे रेट किसी का भी याद नहीं है। और कुछ ज्वेलरी पुरानी है, कुछ अभी साल डेढ़ साल में खरीदी है, इस तरीके से है। तो बस ये वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको मेरा ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना मत भूलिएगा। और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कौन सी ज्वेलरी आपको अच्छी लगी वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा, सबके साथ शेयर करिएगा। और हाँ, इस ज्वेलरी में से कोई भी, जैसे मैं बहुत सारे हार भी दिखाने वाली हूँ आर्टिफिशियल, क्योंकि आपको मालूम है आज का जो समय है ना उसमें आप गोल्ड ज्वेलरी घर पर नहीं रख सकते, जैसे कि मैं भी नहीं रखती हूँ, मैं भी अपना पूरा ज्वेलरी बैंक में रखती हूँ। लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी मुझे खूब सारी रखनी पड़ती है क्योंकि कभी भी कोई भी शादी होती है ना तो आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी ही पहनना प्रिफर करते हो। तो बस मेरे पास भी खूब सारी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, तो चलिए शेयर करती हूँ आपके साथ। तो पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, मेरा फंबल होता रहता है, जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनको मालूम है मैं लड़ करती रहती हूँ। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, तो पहले हम शुरू करेंगे छोटी छोटी ज्वेलरी से, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं ये मंगलसूत्र दिखा देती हूँ, ये आर्टिफिशियल मंगलसूत्र है, देख सकते हो आप, और ये है उसके कानों के। और ये आर्टिफिशियल जो मंगलसूत्र है मैंने लिया था मुंबई से, मैं मुंबई एग्जीबिशन में गई थी, मतलब हम किसी काम से गए थे वहाँ पे, ऐसे ही टहलते टहलते एक एग्जीबिशन देखी उसमें एंटर हुए, तो मुझे ये मंगलसूत्र बहुत ही पसंद आया तो फिर मैंने ये ले लिया। और एकदम गोल्ड वाला लुक देता है, इसको कोई नहीं कह सकता, देखो बिल्कुल गोल्ड वाला लुक देता है। तो ये मंगलसूत्र मैंने मुंबई से लिया था, आर्टिफिशियल है, एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ क्योंकि लोग अगर पूरा वीडियो नहीं देखते ना तो फिर वो कंफ्यूज में रहते हैं। तो जितना भी दिखाने वाली हूँ सब आर्टिफिशियल दिखाने वाली हूँ। तो एक है नंबर वन ये, उसके बाद चलो पहले छोटे से ही शुरू करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं दिखाने वाली हूँ आपको ये वाली चूड़ियाँ। और जो मैं ज्वेलरी दिखा रही हूँ उसमें से कुछ ज्वेलरी आप साड़ी पे, सलवार सूट पे और इस पे राजपूती पोशाक पे पहन सकते हो। तो ये देखो, ये चूड़ियाँ आप सलवार सूट पे पहन सकते हो और साड़ी पे पहन सकते हो, और बहुत ही सुंदर लगती है ये चूड़ियाँ पहनी हुई। जब पतिदेव दिला रहे थे ना तब तो मैंने मना कर दिया, नहीं लूँगी नहीं लूँगी, लेकिन उनका मन था कि नहीं तू ले। और ये मैंने चूड़ियाँ ली थी जयपुर से और WTP से ली थी, लेकिन इस चूड़ियों को लिए हुए बहुत समय बीत गया, आप समझ लो शायद 4-5 साल, और ये बिल्कुल काली नहीं पड़ी है। तो ये चूड़ियाँ मैंने जयपुर से ली थी और आप सलवार सूट या साड़ी पे पहन सकते हो। तो एक बार फिर से मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ, ठीक है। और इसको हम करते हैं पैक, तो पूरा पूरा वीडियो देखिएगा बिना स्किप किए, क्या पता इसमें से कोई चीज़ आपको अच्छी लग जाए, आप गोल्ड में बनवाना चाहो। उसके बाद आए ये आंवला, हमारे यहाँ पे तो इसको आंवला बोलते हैं, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये आंवला भी आर्टिफिशियल है, और ये मैंने त्रिपोलिया से लिया था, जोधपुर से त्रिपोलिया मार्केट में, ये उस टाइम मैंने लिए थे 250 रुपये में। जिस चूड़ियों की मुझे रेट या जिस ज्वेलरी का मुझे रेट मालूम होगा उसका मैं रेट आपको बता दूंगी, नहीं मालूम होगा इसके लिए सॉरी क्योंकि याद नहीं रहता यार। ये तो 250 में लिया था तो मुझे याद है, और एकदम गोल्ड वाला लुक देता है, इसको कोई भी नहीं बोलता कि ये आर्टिफिशियल है, कई बार लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये गोल्ड है या आर्टिफिशियल, पर ये आर्टिफिशियल है, ठीक है।
और हाँ, आपका एक कमेंट जरूर आएगा कि जीजा अपना गोल्ड ज्वेलरी कलेक्शन शेयर करो, तो हाँ सा जरूर करूंगी। बहुत जल्दी हमारे घर परिवार में एक शादी आने वाली है, तो मैं गोल्ड ज्वेलरी निकालूंगी, तब आपके साथ उसका वीडियो शेयर करूंगी, ठीक है। और ये देखो, ये है मेरे गजरे, नजर आए आपको बहुत अच्छे से। तो ये गजरे मुझे बहुत पसंद है। आपको मालूम है मेरी जब मम्मी की शादी हुई थी ना, मेरी मम्मी की शादी के टाइम उनके पास ये गजरे थे, और मेरे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता था ना, मैं ये गजरे जरूर पहनती थी, मुझे बहुत पसंद है। पर ना इसकी जो वो होती ना पिन बंद करने वाली, वो लूज है, तो वो कभी भी ना निकल जाती है, तो मैं डर के मारे कम पहनती हूँ। लेकिन अभी मैं इसका इलाज सोच लिया है कि अब की बार मैं पहनूंगी ना, तो ये टूथपिक डाल के पहन लूंगी इसको। तो आप बताइएगा, आपको इस टाइप के गजरे पसंद है या नहीं, और आपके पास भी है या नहीं, और नहीं है तो जरूर खरीदेगा, बहुत सुंदर लगता है पहने हुए। और ये गजरे दिखा दिए। अभी बारी है पूंछ, इसको पूंछी बोलते हैं शायद, आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं मुझे जरूर बताइएगा। ये भी आर्टिफिशियल है, इसको पूंछ बोलते हैं, और ये भी पूरा देखो गोल्ड वाला लुक देती है पूरा। और अगर आपको किसी का भी डिज़ाइन अच्छा लगे ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेके उसको गोल्ड में बनवा सकते हो। और ये पूंछ का रेट क्या है मुझे नहीं पता, ये पूंछ कितने में लाए थे मुझे कोई आइडिया नहीं है, पर ये जोधपुर से त्रिपोलिया मार्केट से लाए थे, और ये गजरे भी त्रिपोलिया मार्केट से लाए थे, ठीक है। और ये जो मैं मंगलसूत्र पहन रखा है ना, ये मंगलसूत्र मैंने मुंबई से लिया था, लेकिन ज्वेलरी के ऐसे डिब्बे में आता है, मतलब पूरा सेफ है, आप घर में अगर रखो ना इसको, तो इस टाइप का ज्वेलरी का एक बॉक्स आता है, उसमें आता है। और इसको भी लाए हुए शायद 2-3 साल हो गए, दो साल तो हो ही गए, तब से मैं इसको पहन रही हूँ, कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं ये पहन के जाती हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद आते हैं बड़े बड़े जो सेट है ना, उस पर बाद में आएंगे हम, पहले छोटी छोटी ज्वेलरी निपटा देते हैं। और अब मैं आऊँगी गर्ल्स के लिए, वैसे गर्ल्स के लिए भी है, लेकिन हम लेडीज़ भी इसको पहन सकते हैं, वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये इयररिंग्स हैं सानू के, जब सानू तो पहनती नहीं, लेकिन मैं कभी जैसे अदर कास्ट में जाती हूँ ना, जब मैं सलवार सूट पहनती हूँ शादी ब्याह में, तब मैं ये इयररिंग्स पहनती हूँ। इसमें दो इयररिंग्स हैं और एक मांग टीका है। मांग टीका तो मैंने कभी नहीं लगाया, सानू ने शायद एक आध बार लगाया होगा। ये देखो, दो इयररिंग्स हैं और इसके साथ ये मांग टीका है, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। थोड़ा सा वजन में है ये, इनका वेट ज़्यादा है, मतलब आप ज़्यादा देर कैरी नहीं कर सकते, आप थक जाओगे एक टाइम इसको पहनते पहनते, लेकिन हाँ प्यारे बहुत लगते हैं। आप और कुछ भी मेकअप ज़्यादा मत करो, ज़्यादा ज्वेलरी मत पहनो, सिर्फ ये पहन लो, बहुत ही सुंदर लगोगे। और उसके बाद है ये वाले इयररिंग्स, पिछले साल सर्दियों में 2 शादी में मैं गई थी, तो मैंने ये वाले इयररिंग्स पहने थे, वो भी पहने थे और ये भी पहने थे। ये देखो, ये भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, ये सानू की है, लेकिन वही है ना, जब बेटियां बड़ी हो जाती है और सानू मुंबई चलेगी, तो वहां पे तो उसको जरूरत पड़ती नहीं है, वो तो ऐसे हैवी ज्वेलरी वेयर करती नहीं है, तो अब मैं पहनती हूँ। नजर आई कि आपको अच्छे से, तो अब मैं इनको पहनती हूँ और बहुत ही सुंदर लगता है, इतना मतलब आपका लुक इतना प्यारा लगता है जब ये वेयर करते हो आप। तो मुझे लगता है ये वाला जो डिजाइन है ना, जो मैंने आपको जस्ट अभी दिखाया है, ये लगभग सबके पास होगा। और वैसे आप राजपूती पोशाक पे भी पहन सकते हो, आप ये साड़ी पे पहन सकते हो, सलवार सूट पे और राजपूती पोशाक पे भी ये वाले इयररिंग्स पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर लगते हैं। उसके बाद फिर आए एक इयररिंग्स की बारी, ये भी आप साड़ी पे पहन सकते हो, सलवार सूट पे पहन सकते हो, यहाँ तक कि अगर आप छोटा सा मंगलसूत्र पहनो, कहीं जा रहे हो राजपूती ड्रेस पहननी है, लेकिन आप भारी कुछ नहीं पहनना चाहते हार वार, तो छोटा सा हार या छोटा सा मंगलसूत्र पहन लो सिंपल सा, और ये पहन लो, बहुत ही सुंदर लगेंगे, बहुत ही सुंदर। मतलब ये और एक बात और है, ये काफ़ी पुराने हैं, मतलब आप समझ लो बहुत पुराने हैं, लेकिन काले नहीं पड़े हैं। और ये इयररिंग्स भी मैं तीनों जोड़ी लाई थी त्रिपोलिया मार्केट से। और उसके बाद आई इयररिंग्स ख़त्म हो गए, बाकी तो फिर वो नॉर्मल है इस टाइप की इयररिंग्स जो कि हम मुंबई से लेके आए थे। और एक इयररिंग्स है जो मैं दिल्ली से लेके आई थी, आर्टिफिशियल है लेकिन बहुत ही प्यारे लगते हैं मुझे, ये बहुत सुंदर लगते हैं, ये देखो कलरफुल वाले है ना, सुंदर, बहुत सुंदर है। मतलब ये देखो, इसके ना कोई भी कलर की ड्रेस पहन लो, सब पे जाएंगे ये वाले इयररिंग्स। और ये शायद मैं ना दिल्ली से 50 रुपये में लाई थी,
बहुत ही रिजनेबल रेट है दिल्ली में। आप इस टाइप के ईयरिंग्स लो, बहुत सुंदर लगते हैं। और ये वाले ईयरिंग्स मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही है ना एक एग्जीबिशन में गई थी, वहां से लिए थे। और ये 30 या 40 रुपए के हैं, देखो है ना सुंदर। और उसके बाद ये रिंग, इस टाइप की रिंग तो मुझे लगता है सबके पास होगी, ये आर्टिफिशियल रिंग है। पर ऐसी रिंग है ना, मतलब कंफर्टेबल नहीं रहते, ऐसे लगता है उंगली के ऊपर बहुत सारा वजन रख दिया हो। तो बाकी तो ये छोटे मोटे ईयर रिंग्स हैं, इनको तो मैं क्या ही दिखाऊँ, ये तो सबके पास होते हैं इस टाइप के। ये सानू के हैं, सानू भूल गई अपने, खुल जा यार, ओ खुल जा यार। एक ये रिंग है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये देखो। और बाकी खूब सारे हैं छोटे मोटे, छोटे मोटे बहुत सारे हैं। मैं सारे दिखाने बैठूँ ना तो ये वीडियो पूरा एक मूवी जितना बन जाएगा। ये देखो, ये भी आर्टिफिशियल है। तो चलिए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का वीडियो हम बंद करते हैं, बंद नहीं करते सॉरी, ये छोटे छोटे ईयरिंग्स का वीडियो अब हम ख़त्म करते हैं। अब हम आते हैं बड़ी बड़ी ज्वेलरी पे। तो मैंने आपको ये सारे दिखा दिए, बैंगल्स दिखा दिए जितने भी आर्टिफिशियल हैं, और ईयरिंग्स दिखा दिए। अब आते हैं हम नेकलेस पे। तो अब दिल थाम के बैठिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे नेकलेस मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम आएंगे इसके ऊपर, और बड़े बड़े नेकलेस है ना जो, सब मैं पहन पहन के दिखाऊंगी आपको, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि वो कौन सा कैसा लगेगा, ठीक है। तो पहले मैं इसको पहन लेती हूँ। अभी मैं दिखाती हूँ आपको ये वाला नेकलेस। ये नेकलेस मैंने कहाँ से लिया था यार, ये नेकलेस मैंने कहाँ से लिया था ये मुझे याद भी नहीं है। शायद ये हनुमानगढ़ में शायद कोई लेडी बेचने के लिए आई थी, उनसे लिया था या कहाँ से लिया था मुझे याद नहीं है। और ये भी बहुत सुंदर लगता है, लेकिन यहाँ पे ना इस टाइप का एक लटकन था, वो टूट गया है, लेकिन वैसे ज़्यादा मालूम नहीं चल रहा। तो आप चाहो तो कहीं पे वेयर कर सकते हो, जैसे साड़ी पे, या ज़्यादा हैवी कोई नेकलेस राजपूती पोशाक पे नहीं पहनना चाहते तो ये देखो। और ये है इसके ईयरिंग्स, और जो मैंने अभी मंगलसूत्र पहना था ना, ये देखो उसको मैंने वापस पैक कर दिया है। तो मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। तो ऐसा कुछ लुक है, उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से नज़र आ रहा होगा। तो कोई नहीं कह सकता जब इस मंगलसूत्र को कि ये आर्टिफिशियल है, बिल्कुल गोल्ड वाला लुक देता है। और ये देखो ये नेकलेस। तो अभी बारी है, ये नेकलेस मैंने आपको दिखा दिया। तो अब मैं सोच रही हूँ कि नेकलेस की बजाय पहले मैं आपको जितने भी मेरे पास सीस फूल है ना वो दिखा देती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें ना निपट जाए उतनी जल्दी अच्छा है, कि मुझे लगे कि हाँ यार बस अब मुझे हार ही दिखाने हैं, क्योंकि इस वीडियो में ना बहुत बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। तो सबसे पहले आया ये वाला सीस फूल, जिसको मुझे लगता है बहुत सारे लोग माथा पट्टी बोलते हैं, हम लोग सीस फूल बोलते हैं, और आप लोग भी इसको माथा पट्टी बोलते हो, सीस फूल बोलते हो, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये देखो, ये देखो है ना, ये बहुत प्यारा है। ये मैंने लिया था जोधपुर में, ब्रिजेश मार्केट है ना वहाँ से, जो जोधपुर में रहते हैं वो ब्रिजेश मार्केट समझते हैं, ब्रिजेश है या ब्रिजेश है, जो ब्रिजेश ही है, ब्रिजेश मार्केट से ये वाला शीश फूल लिया था। और उसके बाद है रखड़ी विद शीश फूल। वैसे है ना, रखड़ी विद शीश फूल का पता क्या होता है, ये जो रखड़ी है ना इसकी इसकी गर्दन घूमती रहती है। अगर आप है ना, मतलब ऐसे यहाँ पे पिनअप करना चाहो ना कि ये हिले नहीं, तो वो पिन भी नहीं टिकती, वो भी खराब हो जाती है। तो ये देखो ऐसा कुछ है ये शीश फूल, और ये है इसकी रखड़ी। है तो बहुत सुंदर, लेकिन ये देखो मैं आपको पहन के भी दिखा देती हूँ। तो मैं इसको कभी कभी पहन लेती हूँ, क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत सारे छोटे छोटे काम आते हैं जब आपको ज्वेलरी पहननी पड़ती है आर्टिफिशियल, तो मैं ये पहन लेती हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद बारी आई, इसको शायद मैरी बोलते हैं, ये हमने त्रिपुर इससे ब्रिजेश से लिया था, जोधपुर से ब्रिजेश मार्केट से ली थी। ये देखो, जब आप है ना सीस फूल पहनते हो ना, उसके बाद भी आपको एक पतली सी पट्टी पहनते हैं ना, मैरी बोलते हैं। तो आप मोटा सीस फूल पहन लो, उसके आगे है ना आप ये मैरी पहन लो, बहुत ही, अगर घर की मैन शादी है ना तो आप ये वाली पहनो, बहुत प्यारी लगेगी, एकदम हैवी लुक देगा, कि पहले आपकी रखड़ी आ जाएगी, उसके बाद ये मैरी आ जाएगी, उसके बाद बड़ा शीस फूल, जैसे इस टाइप का आप शीश फूल पहन लो, बहुत ही सुंदर लुक देगा। आपके घर की शादी है तो आप ये मैरी जरूर खरीदना,
और ये भी मैंने विजेश मार्केट से ही ली थी। और इसके बाद बारी आई इस शीश फूल की। अभी तो ये बेचारा पुराना हो चुका है काफी, मतलब ये समझ लो इसको 4-5 साल हो गए। और ये बहुत सुंदर लग रहा था जब मैंने लिया था ना, अब तो थोड़ी सी इसकी चमक कम हो गई, लेकिन बहुत बहुत ही प्यारा हो गया। कहाँ गया भाई, मुड़ मुड़ आ गया। तो ये मैंने त्रिपोलिया मार्केट से लिया था। ये बहुत सुंदर लगता था, मतलब जब पहनना था तो सब ने तारीफ की थी कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। वैसे ना बहुत कम लिमिटेड चीज फूल मुझे पसंद आते हैं और लिमिटेड जगह पे ही पसंद आते हैं, और ये मैंने त्रिपोलिया मार्केट से लिया था। लिया कितने में था तो मुझे याद नहीं है, ठीक है। अभी आई इस शीश फूल की बारी। ये शीश फूल भी बहुत बहुत प्यारा है, और पर इसका एक चीज़ ये ना माइनस पॉइंट है कि ये ना हैवी बहुत है। मतलब पिन करके भी आप इसको लगाओ ना तो ये आपके सर पे ना ऐसे ऐसे फिसलता रहता है। है बहुत सुंदर, नो डाउट, मुझे बहुत ही पसंद है, लेकिन ये ज़्यादा टिकता नहीं है, ये आपके पूरा रखड़ी को भी हिला के रख देगा। तो ये बहुत प्यारा चीज फूल है। और ये मैंने कहाँ से लिया था, ये भी शायद त्रिपोलिया मार्केट से ही लिया था। देखो मुझे पूरा याद नहीं है, पर शायद मैंने त्रिपोलिया मार्केट से ही लिया था। तो ये शीश फूल हो गया। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ फिर, तो ये छोटी छोटी मैरी है, मेरे पास मैरी 3 है। तो ये देखो ये मल्टी कलर मैरी है, आप कोई भी ड्रेस पहनो तो आपको ये वाली मैरी भी आप पहन सकते हो। ये देखो लग रही है ना सुंदर। और इसके बाद आया बहुत ही सुंदर शीश फूल, और ये शीश फूल तो अभी 1-1.5 साल पहले हमने बिजेस मार्केट से लिया था। और ये शीश फूल लिए थे हमने शायद चारों बहनों के लिए, मेरे छोटे भाई और बहन की शादी थी 1.5 साल पहले, तब हमने चारों बहनों के लिए लिए थे। तो 3 तो हमें ये रेड कलर के मिले थे और 1 हमें ना ग्रीन कलर का मिला था। अब ग्रीन किसने लिया था मुझे याद नहीं है। ये देखो ये भी पहना हुआ बहुत सुंदर लगता, मतलब ये समझ लो बहुत ही प्यारा और पूरा पूरा गोल्ड वाला लुक देता है, एकदम ऐसा लग रहा सोने का ही है। अगर मैं आपको बोल दूँ ना कि ये सोने का है तो आप भी मान लोगे कि हाँ ये सोने का है। तो बहुत सुंदर है, अगर इस टाइप का आपको कभी भी दिखे ना मार्केट में तो आप पक्का लीजिएगा, बहुत ही प्यारा लगता है। गोल्ड ज्वेलरी के साथ आप इसको पहन लो, कोई नहीं कहेगा कि आपने आर्टिफिशियल पहना हुआ है। और इसके बाद आया एक बहुत ही सुंदर सा सिंपल सा प्यारा सा शीश फूल। मेरे पास शीश फूल की बहुत अच्छी वैरायटी है। अगर मान लो घर की शादी होती है ना तो आपको कंटिन्यू 4-5 दिन शीश फूल पहनना होता है, तो इसलिए मैं हमेशा खूब सारे रखती हूँ ताकि मैं हर दिन नया चेंज करके पहनूं। ये देखो अगर आपने रेड कलर की कोई भी बड़ी रेड कलर की ऐसी सिंपल पोशाक पहनी है, शीश फूल पहनना है, तो आप ये वाला पहन सकते हो। तो शीश फूल हो गए मुझे लगता है सारे कंप्लीट। और ये देखो एक ये आर्टिफिशियल रखड़ी भी है मेरे पास। अब हम लोगों को ना आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी काफ़ी रखनी पड़ती है अपने पास, क्योंकि कभी भी कहीं भी जाना पड़े और आप गोल्ड निकालने के लिए आपके पास टाइम नहीं है कि आप बैंक जाओ गोल्ड ज्वेलरी निकाल के लाओ, तो आप अपने पास आर्टिफिशियल ज्वेलरी रखो। और ये देखो छोटे छोटे इनको क्या बोलते हैं, नाक में पहनने वाले, जो भी बड़े लॉन्ग बोल लो बेसर बोल लो जो भी हो। तो देखो एक ये है मेरे पास, ये भी खूब सारी वैरायटी है। और एक ये है, और ये भी है ना आपका लुक चेंज कर देते। देखो पर ये मैंने जो मैंने पहना ना ये गोल्ड का है, ये इतना सा नाक का लॉन्ग मैंने 5,000 रुपये में लिया था। मतलब सोचो सोना कहाँ जा रहे हैं, सोना खरीदने से अच्छा है कि हम आर्टिफिशियल ही खरीद लें, अब तो सोना खरीदे ही ना। पर करें क्या, जब शादी ब्याह होते हैं ना बच्चों को देने की बारी आती है तो हमें सोना भी खरीदना ही पड़ता है मजबूरी में। और देखो खूब सारे हैं, अब मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी ना तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा। और ये देखो ओ माय गॉड ये देखो बहुत सुंदर सुंदर है। और ये सारे मुझे लगता है मैंने ज़्यादातर तो है ना त्रिपोलिया मार्केट से खरीदे हैं या फिर मैंने विजेश से खरीदे हैं, सब ऐसे ही खरीदे हैं। ये देखो ये सारे मुझे लगता है अभी जो हमारी लेटेस्ट शादी थी ना मेरे भाई बहन की, उस वक्त मैंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी बहुत कुछ खरीदा था। ये देखो ये तो शायद है ना काला भी पड़ गया है पर अच्छा लगता है। मैंने ये वाला ना बेसर बोलो या जो भी बड़ा लॉन्ग बोलो, ये मैंने एक बार साड़ी पहनी थी रामा ग्रीन कलर की, जो नीतू चौहान ब्लॉग्स में बहुत टाइम से जुड़े हुए ना उनको मालूम है, मेरे फ्रेंड के
25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन था उसमें मैं ये ना बेसर पहनी थी साड़ी पे, मैंने ये वाला हेयरबैंड पहना है, बेसर पहनी थी और रामा ग्रीन कलर की साड़ी पहनी, और वो बेसर साड़ी के ऊपर इतना प्यारा लगा, सब ने बहुत बोला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए अब ये फाइनली छोटी मोटी सारी ज्वेलरी खत्म हो गई, अभी आएंगे बड़े बड़े नेकलेस की बारी। तो अब मैं दिखाऊंगी आपको बड़े बड़े नेकलेस, जो कि घर की शादी हो या किसी की शादी हो, आप अपनी गोल्ड ज्वेलरी नहीं निकालना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप के आप नेकलेस लेके रख लो, बहुत ही प्यारे लगेंगे। और ये नेकलेस के भी मैं बता दूंगी कौन सा मैंने जोधपुर से लिया हुआ है, कौन सा मैंने बाहर से लिया हुआ है, मुंबई से लिया हुआ है, क्योंकि मेरी बहुत सारी ज्वेलरी अलग अलग जगह से ली हुई है, जहाँ मैं जाती हूँ मुझे ज्वेलरी पसंद आती है ना तो मैं ले लेती हूँ। तो जी सबसे पहले हम शुरू करेंगे इस नेकलेस से, जो कि मैं लाई थी मुंबई से, और ये साड़ी पे पहनो बहुत ही प्यारा लगता है, ये देखो बहुत सुंदर लगता है। लेकिन इसके साथ ट्रेजेडी क्या हुई, जैसे इसका इयररिंग्स है ये वाला, लेकिन जब मैंने हम लोग उम्मीद क्लब गए थे, डिनर पार्टी थी, रेखा के ननंद के घर का मुहूर्त था, उन्होंने वहाँ उम्मीद क्लब में पार्टी दी थी, तो वहाँ हम गए थे, तब मैं ये नेकलेस पहन के गई थी, साड़ी पहन के गई थी, और एक नेकलेस ये इयररिंग है ना कहीं गिर गया और मुझे मालूम भी नहीं चला। जब मैं रात को घर आई ना और मैं ये खोलने लगी तब मुझे पता चला कि मेरे एक कान में इयररिंग्स है ही नहीं। तो ये देखो बहुत ही सुंदर है, और ये मुंबई से लाई थी, मुंबई से उस टाइम मैंने दो सेट लिए थे, दो हार लिए थे, एक ये एक और दिखाऊंगी, और एक मैंने मंगलसूत्र लिया था, और ये एग्जीबिशन से लिया था, बहुत ही अच्छे रेट में मिल गया था, उस टाइम ऑफर चल रहा था कुछ तो। हाँ तो अभी इसका जो इयररिंग्स है ना ये गिर गया एक, तो मैं जब इसको पेयर करना होता है ना, पहनना होता है, तब मैं क्या करती हूँ, इस नेकलेस को पहनती हूँ और इसके साथ में पहनती हूँ ये वाली इयररिंग्स। हालांकि अभी पूरे मैच तो नहीं होते, लेकिन क्या करें, पहनने का मन करता तो मैं पहन लेती हूँ। और ये वाले जो इयररिंग्स हैं वो मैंने लिए थे WTP से, जयपुर से, और ये देखो ये वाले इयररिंग्स पहनती हूँ और ये वाला हार पहनती हूँ। अब ये हार तो नहीं पहन के दिखाऊंगी मैं आपको, बड़े बड़े हार पहन के दिखाऊंगी। तो इसको तो डालते हैं हम अंदर और फिर बड़े बड़े हार के ऊपर आते हैं। वीडियो बनाना आसान नहीं है, पहले रेडी हो फिर सारा सामान इकट्ठा करो, उसके बाद कहीं जाके आप वीडियो बना पाते हो। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं इसके लिए, मैंने लंच नहीं किया है, टाइम हो गया अभी शायद 12:30 बज गए होंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, पहले मैं घर का काम किया, पतिदेव को रवाना किया, फिर मैं रेडी हुई हूँ, और अभी मैं ये सारी ज्वेलरी निकाली, पहले अलग अलग कोनों से सबको इकट्ठा किया, और अब आपके साथ शेयर करूंगी, फिर मैं इन सबको जगह पे लगाऊंगी, फिर मैं चेंज करूंगी, उसके बाद मैं लंच करूंगी। तो प्लीज़ 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 मेरी मेहनत को ज़रूर अप्रिशिएट करिएगा, सबके साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को। तो जी एक ये वाला नेकलेस है, और ये नेकलेस मैंने कहाँ से लिया इसी मुझे याद भी नहीं है, बहुत पुराना है समझ लो, बहुत ही पुराना, शायद 5-6 साल पुराना, और इसको मैंने शायद कभी नहीं पहना, कभी भी पता नहीं क्यों मैंने ले लिया, मुझे अच्छा भी लगता है पर जब भी कहीं जाने की बारी आती है ना मैं इसको नहीं पहनती। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है और मुझे ये पहनना चाहिए या नहीं। ये देख सकते हो आप, मुझे ना अभी पहनना हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है, पर पता नहीं मैं इसको क्यों नहीं पहनती, मुझे पहनना चाहिए या नहीं। तो आप लोग इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा कि ये आप इसको जब कमेंट करो तब आप ये लिख सकते हो कि मोती वाला हार पहना करो या मत पहना करो। तो आप लोग मुझे ज़रूर ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है और मुझे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए या किसी को दे देना चाहिए। तो ये देख सकते हो आप, तो ऐसा कुछ लुक है इसका। तो अभी इसको खोलते हैं और पहनते हैं दूसरा सेट, इसको मैं पहनूंगी नहीं, इसको तो बस मैं आपको ऐसे ही दिखा दूंगी। ये देखो ये सेट मुझे किसी ने गिफ्ट किया था, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं है मुझे, तो मैं कभी ना कभी किसी ना किसी को गिफ्ट कर दूंगी। मुझे पता है आप लोग बोलोगे कि खुद नहीं पहनते या खुद को नहीं पसंद तो आप किसी को गिफ्ट कर दोगे, यार मुझे भी गिफ्ट ही मिला था देखो, और मुझे ये पसंद नहीं है, और मेरे घर में मैं ऐसा रख के क्या ही करूंगी, किसी को दे दूंगी, जिसको मुझे लगेगा कि हाँ उनको ये चीज़ पसंद आएगी उनको दूंगी, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती किसी को चिपका दूंगी, जिसको मुझे लगता है कि हाँ उस बंदे को यह हार पसंद आ सकता है या मेरा दिया हुआ गिफ्ट वो पहनेंगे उसी को मैं दूंगी, ऐसी ज़बरदस्ती मैं गिफ्ट नहीं चिपकाती। मेरे लिए गिफ्ट का मतलब है कि जिसको मैं दे रही हूँ ना वो उस चीज़ को पहने, न कि उसको बोझ समझे। तो हो गए, अब आए मैं बड़े बड़े नेकलेस, बहुत ही प्यारे
जो मैं हमेशा पहनती हूँ। आप अगर मुझे बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हो, 2-3 साल से, तो आपको पता होगा मैं हर शादी में ये जो नेकलेस है ना, सबसे पहले तो बता दूँ मैं कैसे रखती हूँ। ये किट है, ये मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इसके चैन खोलो और इस पर इस टाइप के पैकेट्स में मैं ये नेकलेस रखती हूँ और ये बहुत ही सेफ है। अमेजोन से मैंने ये किट मंगवाया था। तो अभी सबसे पहले मैं दिखाऊंगी आपको हसली सेट, और ये सेट भी मैंने मुंबई से लिया था। तो पहले मैं आपको इनको खोल के दिखाऊंगी, क्योंकि पैकेट्स में तो अच्छे से नज़र नहीं आएंगे, आपको खोल के दिखाऊंगी, पहन के दिखाऊंगी। और ये है हसली सेट, तो ये भी मैंने मुंबई से एग्जीबिशन से लिया था। उस टाइम ऑफर चल रहा था, अच्छी रेट में हमें मिल गया था, पर कितने में मिला ये मत पूछिएगा क्योंकि मुझे याद नहीं है। तो जी ये देखिए, ये है हसली सेट, और मैंने आपको बता दिया कि ये मैंने लिया था मुंबई से। और प्लीज़ इसका रेट मत पूछिएगा क्योंकि मुझे रेट नहीं याद इसका, ये मैंने कितने में लिया, क्योंकि जो मैंने मंगलसूत्र और वो पहले हार दिखाया था, वो छोटा वाला और ये तीनों एक साथ लिए थे, लेकिन मुझे इसके प्राइस नहीं मालूम। और ये कुछ है, इसके इयररिंग्स देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आपको डिज़ाइन बहुत सुंदर से दिख रहा होगा, अच्छे से दिख रहा होगा। और ये हसली सेट है, अगर आप गोल्ड में ना ज्वेलरी बनाने का सोच रहे हो, और अगर आपको हसली पसंद है लेकिन खाली वो एक पट्टी वाली हसली नहीं पसंद, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके और बनवा सकते हो, बहुत सुंदर लगेगी। और जब आप इसको गोल्ड में बनवाओगे ना, तो मेरा दावा है कि 10-15 लोग आपसे ये फोटो ना मांगे ना इसकी, तो मेरा नाम नीतू चौहान ही रखिएगा, मुझे मेरा नाम पसंद है। तो मतलब ये देखो बहुत ही प्यारी, मैंने अभी तक ना हसली के जितने भी गोल्ड में या आर्टिफिशियल में सेट देखे ना, ऐसा सेट मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि मुझे भी ज्वेलरी के वीडियोस देखना या इंस्टा पे या फिर यूट्यूब पे बहुत पसंद है, मैं देखती हूँ सॉरी। तो ऐसा डिज़ाइन मैंने कभी नहीं देखा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये है मेरा हसली सेट, और ये है इसके इयररिंग्स, और बहुत ही लाइट वेट है, आपको ऐसे बड़े दिख रहे हैं लेकिन बहुत ही लाइट वेट है, और आप कितनी देर भी इसको वेयर करो आप बिल्कुल भी अनकंफर्टेबल नहीं रहोगे। तो अभी हम बारी आती है दूसरे नेकलेस सेट पहनने की। तो जी अभी जो सेट दिखाने वाली हूँ ना, ये प्रॉपर गोल्ड लुक देता है, मतलब आप समझ लो कोई भी नहीं कह सकता कि ये गोल्ड में नहीं है। मतलब डिज़ाइन जो है ना इसकी, घड़ाई जड़ाई बिल्कुल परफेक्ट इसमें गोल्ड वाला लुक देता है। ये मैंने ऑनलाइन खरीदा था। अब आप मुझे ये मत पूछिएगा कि आपने ऑनलाइन कहाँ से खरीदा था, मुझे याद भी नहीं है ना, मुझे ये कहाँ से खरीदा वो याद है, ना ही मुझे इसके रेट याद है, मतलब मैंने कितने में लिया। बस इतना याद है कि जब मैंने खरीदा था ना, तो इसके जो ये चिड है ना, ये मल्टी कलर की, मतलब दो कलर की थी, रेड और वाइट। फिर मैंने एक बार गर्मी में इसको पहन लिया, तो जो रेड कलर है उतर के वो वाइट पे निकल गया था। तो मैंने क्या किया, ज्वेलर हमारे जो गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं ना, जिससे उन ज्वेलर के पास गई और इसको वाइट चिड्डे पुआ ली। तो इसको भी मैं पहन के दिखाऊंगी, लेकिन मैं पहले आपको करीब से दिखा देती हूँ। है ना बहुत ही सुंदर, ये देख लो, और पूरी जो इसकी घड़ाई चढ़ाई है ना, वो पूरी गोल्ड लुक देती है, मतलब कोई भी नहीं कह सकता कि आपने ये आर्टिफिशियल हार पहना है, बहुत ही सुंदर है। ये देखो ये इसकी इयररिंग्स है, और मुझे इस टाइप की इयररिंग्स बहुत पसंद है, जो एकदम गोल गोल होते हैं ना, जो आपके ये जो कान का जो छेद है ना, इसको कवर कर दे, क्योंकि मेरे जो कान के छेद है ना वो बहुत बड़े हैं। तो मैं डेली मैं तो कानों की पहनती भी नहीं हूँ, मुझे डर लगता है कि यार मैं इतने हैवी हैवी या कोई भी पहनूंगी ना, तो मेरे कान के छेद एकदम कट जाएंगे, और फिर उसको मैंने सुना है कि है ना वो लगाना पड़ता है, टांके लगवाने पड़ते हैं डॉक्टर से, फिर से कान छिदवाने पड़ते हैं, तो मैं इतना सब नहीं करना चाहती। तो मैं डेली में कुछ नहीं पहनती, बस बाहर जाती हूँ ना तो कुछ छोटे छोटे कानों के पहन लेती हूँ, लेकिन ये मुझे बहुत बहुत सुंदर लगते हैं। और आप लोग बताइएगा बिल्कुल आपको भी ये गोल्ड वाला लुक दे रहा है या नहीं, ये देखो। तो इसको भी मैं वेयर करके आपको दिखाती हूँ कि ये लुक कैसा आ रहा है। और वैसे ऑनलाइन ये ज्वेलरी बहुत मिलती है और पूरा सोने जैसी लगती है, और अगर आप ऐसा गोल्ड में बनवाना चाहते हो तो भी आप बनवा सकते हो। तो जी ये देख सकते हो आप, लग रहा है ना पूरा गोल्ड वाला, बिल्कुल जो गोल्ड के पहले ना चिक सेट बनते थे ना, बिल्कुल वैसा चिक सेट है ये। और ये इसके इयररिंग्स है देखो। और हाँ ये इयररिंग्स का मैं, ये हार का मैं पहले ही बता देती हूँ, मुझे मत पूछना कि आपने कहाँ से लिया, क्योंकि मुझे याद नहीं है, ऑनलाइन लिया था, किस कहाँ से लिया मुझे याद नहीं है, कितने का लिया ये भी मुझे याद नहीं है। और मैं ये जो एक बार फिर से ये जो
ज्वेलरी किट है, मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप इनकेस खरीदना चाहते हो, आप इसमें आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख सकते हो, गोल्ड ज्वेलरी भी रख सकते हो, जैसे मान लो आप कहीं जाने वाले हो और इस टाइप के कोई भी गोल्ड के छोटे मोटे सेट है ना, तो आप डाल सकते हो। तो देखो ये इसका है, और अंदर है ना यहाँ पे इयररिंग्स लगते हैं, और इसके अंदर आप हार को ऐसे सेट कर दो और बंद कर दो, चैन बंद कर दो, तो बहुत ही सेफ रहती है आपकी ज्वेलरी, बहुत अच्छी रहती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा अब तक का वीडियो पसंद आ रहा होगा। और अगर हाँ, आप ऐसा गोल्ड में सेट बनवाना चाहते हो तो भी आप देखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और अभी बारी आएगी, अभी कितने सेट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, जो सबसे बड़ा, जो हैवी, जो पूरा एकदम राजकुमारियों वाला, रानियों वाला लुक देता है ना, वो सबसे लास्ट में दिखाऊंगी, क्योंकि वो बहुत हैवी है और बहुत ही सुंदर लगता है पहना हुआ, बहुत प्यारा लगता है। तो पहले मैं इसको खोल देती हूँ, दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए, मैं आपको फिर से इसको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैं ना इसको सेट करके बंद करके रख देती हूँ। तो मैं इसीलिए आपको ये बार बार दिखा रही हूँ, क्योंकि है ना, कई बार लोग है ना ऐसे डिब्बे में डाल देते हैं ज्वेलरी, फिर वो डब्बा हिलता है ना, तो ज्वेलरी पे स्क्रैच बनते हैं, जो उसकी जो फिनिशिंग है, जो इसकी चमक है ना, वो खराब हो जाती है। इस तरह के पैकेट में ना एकदम सेफ रहती है आपकी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और वैसे गोल्ड भी सेफ ही रहती है। ठीक है, तो अभी बारी आती है एक नेकलेस की ओर। वैसे पैकेट में कुछ ऐसा लुक है, और इसको मैं निकाल के भी आपको, पहन के भी दिखाती हूँ, निकाल के भी दिखाती हूँ। और ये वाला जो मैंने सेट जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये सेट लिया था मैंने हनुमानगढ़ से, वहाँ पे कोई बेचने वाला आया था, उनसे लिया था। और इसके ना 2-3 मोती गिर गए हैं, यहाँ से नग गिर गए हैं, तो ये मुझे लगाने हैं जब भी ज्वेलर के पास जाऊंगी ना। ये देखो, आई नजर आओ, बहुत सुंदर लगता है ये पहना हुआ, बहुत ही प्यारा लगता है। और इसमें है झुमकियाँ, मुझे झुमकी बहुत पसंद है, लेकिन मेरे पास झुमकी एक ही है, ये देखो। तो ये भी मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये हनुमानगढ़ से लिया था, कोई बेचने वाले आई थी लेडी, उनसे मैंने लिया था, लेकिन रेट मुझे याद नहीं है, क्योंकि ये भी मैंने बहुत पहले लिया था, शायद 6-7 साल पहले, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। लेकिन ये भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, बस इसके जो बीच के नग है ना, वो मुझे लगवाने हैं। तो जी ये देखिए, आपको दिखाती हूँ, ये देखिए हार का कुछ ऐसा लुक है, नजर आ रहा है इसमें है ना, 1, 2 और 1, 3 नग गिर गए हैं, लेकिन मैं ज्वेलर से ये सही करवा लूंगी, जो गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं ना, उनके पास इस टाइप के नग मिल जाएंगे, तो वो अच्छे से चिपका के देंगे। और ये देखो झुमकी का, बहुत ही सुंदर झुमकी है। और ये जो पहना हुआ सेट ना, बहुत प्यारा लगता है, मैंने कई बार इसको वियर किया है, बहुत ही प्यारा लगता है, बहुत पूरे गले को कवर करता है, देखो। तो इसको मैंने आपको दिखा दिया, अभी बारी है, कितने सेट है, 1, 2, 3, तो इसको चेंज करती हूँ और दूसरा सेट आपको पहन के दिखाती हूँ। बस 3 सेट और रहे हैं, लेकिन जो सबसे लास्ट में आने वाला है वो एकदम, वो कहते हैं शो स्टॉपर, वो है, वो सबसे बड़ा है, सबसे महंगा है, और मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सबसे सुंदर लगता है, लेकिन हाँ सबसे बड़ा सेट है और सबसे महंगा भी है, पर सुंदर लगता है, मैं ये नहीं कह सकती कि सबसे सुंदर लगता है, लेकिन हाँ सुंदर लगता है। तो जी ये एक है ये वाला सेट, और ये भी मैंने हनुमानगढ़ से लिया था, इसको भी शायद बहुत बहुत टाइम हो गया। अच्छा मैं बता दूं, मैं बार बार नाम ले रही हूँ हनुमानगढ़, जो लोग फॉलो करते हैं उनको मालूम है हनुमानगढ़ मेरा मायका है, जो लोग नहीं जानते तो आप भी मेरा ब्लॉग देखा करो प्लीज़, मैं सब मालूम चल जाएगा, मैं मायका कहाँ है, ससुराल कहाँ, मैं कहाँ रहती हूँ, सब कुछ। तो ये मैंने मेरे मायके से हनुमानगढ़ से लिया था, कोई लेडी आई थी बेचने के लिए, तो वहाँ से लिया था। और ये देखो ये है इसके इयररिंग्स, और कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताइएगा। अब तक मैंने जितनी भी ज्वेलरी पहनी है ना, मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, मुझे बहुत प्यारा लगता है। ये वाला भी बहुत ही सिंपल है, और सबसे बड़ी बात है कि इतने साल पुराना है, मैंने इतना पहना है, लेकिन ये बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है, देख सकते हो। तो अभी बारी आती है दूसरे नेकलेस की, जो भी चिक सेट है, मल्टी कलर में है, और आप उसको कभी भी साड़ी पे, राजपूती ड्रेस पे पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगता है। तो जी एक सेट है ये वाला, आप देख सकते हो। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से इसके डिज़ाइन नज़र आ रहे होंगे, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ।
और ज्यादा क्लोज आऊंगी ना तो मेरा बिना मेकअप वाला चेहरा दिख जाएगा। मैंने मेकअप के नाम पे ना सिर्फ काजल और लिपस्टिक की है और मांग लगाई है, और मैंने कोई फाउंडेशन या कुछ भी क्रीम व्रीम नहीं लगाई है, सिर्फ नारियल तेल लगाया हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मेरे चेहरे पे ना बहुत ज्यादा तिल है और तिल की वजह से ना वो बहुत हाईलाइट होता है, अगर मेकअप करते हो ना जब तो कवर हो जाता है, बिना मेकअप के ना मेरे तिल दिखते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा क्लोज नहीं आ रही हूँ। बस उम्मीद कर रही हूँ आपको ये हार का जो सेट है वो बहुत सुंदर डिजाइन दिख रहा होगा, और ये भी मैंने ऑनलाइन खरीदा है। बस वही है कि ये मैंने इंस्टा आईडी कुछ भी है मैं आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये जो सेट मैंने खरीदा मुझे, अच्छा कबूतर बोल रहे हैं, मैंने सोचा कहाँ की आवाज़ आई, तो ना बहुत महंगा लगा, क्योंकि इस टाइप के सेट मैंने दूसरी साइड पे देखे हैं, वहाँ पे बहुत रीजनेबल रेट थे, तो ये बहुत महंगा लगा, इसलिए मैं आपको इसके रेट भी नहीं बता रही और कहाँ से लिया वो भी नहीं बता रही, बस आप डिज़ाइन देख सकते हो, पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है, और वही राउंड शेप के इयररिंग्स है जो मुझे बहुत पसंद आते हैं, ताकि जो मेरे कान का जो छेद है ना उसको कवर कर ले, क्योंकि कान के छेद काफ़ी बड़े बड़े हैं इसीलिए। तो ये है इसके इयररिंग्स और ये है इसका सेट, और अभी है क्या बोलते हैं लास्ट नॉट द लीस्ट हार। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगेगा, लेकिन मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ही, आप इसको रानी हार बोल सकते हो, जो भी बोल सकते हो, तो इसको मैं वेयर करके दिखाती हूँ आपको। तो जी ये देखिए, और आप लोग मुझे सच्चे सच्चे बताइएगा आपको ये हार कैसा लगा, मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को कैसा लगेगा, हो सकता है किसी को बहुत अच्छा लगे, किसी को ठीक ठाक लगे, किसी को बिल्कुल ना अच्छा लगे। और ये हार मैंने खरीदा था करीबन 5 साल पहले, 4 या 5 साल पहले, और आप देख सकते हो इसको आप बोल सकते हो रानी हार। अगर आपके किसी क्लोज की शादी है और आप गोल्ड ज्वेलरी नहीं निकलवाना चाहते तो आप इस टाइप का हार ले सकते हो, बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही प्यारा, पूरा आप देखो पूरा गला कवर कर रहा है, आपको इसके साथ कुछ भी पहनने की जरूरत नहीं है। और ये है इसके इयररिंग्स, उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे से आपको दिख रहे होंगे। तो बस ये लास्ट ज्वेलरी है मेरे पास आर्टिफिशियल, और बस मैंने आपके साथ शेयर कर दी, बहुत ही सुंदर डिजाइन है देखो। और तो चलिए दोस्तों, ये था मेरा आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा ज्वेलरी आर्टिफिशियल ज्वेलरी कलेक्शन बहुत पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज इसको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कौन सा हार आपको अच्छा लगा, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और अगर मान लो जैसे आपको बोलना है ना कि कौन सा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, तो आप उसकी काउंटिंग कर लेना कौन सा हार आपको, अगर इसका स्क्रीनशॉट मतलब अच्छा सा फोटो चाहिए, आप चाहते हो कि उसकी फोटो लेके आप गोल्ड में बनवाना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करोगे ना तो वही फोटो मैं कम्युनिटी पोस्ट कर दूंगी, ताकि आपको ईजिली मिल जाए, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके ज्वेलर से गोल्ड में बनवा सकते हो। और बहुत ही सुंदर लगा ये हार, और आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, सारी ज्वेलरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, सबके साथ शेयर करिएगा इस वीडियो को, और आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरा ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट करना भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे दो चैनल हैं, एक है नीतू चौहान ब्लॉग्स, एक है नीतू चौहान फैमिली, तो मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। उम्मीद करती हूँ मेरे ब्लॉग्स भी आप देखते होंगे, मेरी रेसिपी भी आप देखते होंगे, और ऐसे ही प्यारे प्यारे वीडियो लेकर मैं आती रहूंगी।